आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कामता नाथ द्वारा रचित कहानी मेहमान। शीतला प्रसाद का हाथ हवा में ही रुक गया। संध्या स्नान ध्यान के बाद चौके में पीड़े पर बैठे बेसन की रोटी और सरसों के साग का पहला निवाला मुंह में डालने ही जा रहे थे कि किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुंडी दोबारा खटकी तो उन्होंने निवाला वापस थाली में रख दिया और अपनी पत्नी की ओर देखा जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। कुंडी की आवाज सुनकर उसका हाथ भी ढीला पड़ गया। अरे रामोतार ना हो कहीं, आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने कहा। राम अवतार जो शीतला प्रसाद की भांजी उससे ब्याही थी। इस रिश्ते से वह उनके दामाद लगते थे। हसनगंज तहसील में कानून वो थे। कभी किसी काम से शहर आते तो उनके यहाँ जरूर आते थे, खासतौर से जब रात में रुकना हो। तब दिन भर शहर में काम निपटाकर बिना पहले से कोई सूचना दिए शाम तक उनके यहाँ पहुंच जाते। महीने के अंतिम दिन चल रहे थे, रुपए पैसे तो खत्म थे ही और राशन भी प्रायः समाप्त हो चुका था। शक्कर का एक दाना नहीं था घर में। तीन चार दिनों से सब लोग गुड़ की चाय पी रहे थे। आज सवेरे चाय की पत्ती भी खत्म हो चुकी थी और चावल तो दो दिन पहले समाप्त हो चुके थे। ऐसे में राम अवतार के आने से के बाद से शीतला प्रसाद को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी पत्नी के लिए तो परेशानी का ही सबब था। जाना दरवाजे से झांक कर देख तो कौन है, उन्होंने अपनी बेटी राधा से कहा। देख आवाज ना हो बिल्कुल, और सुन दरवाजा कतई मत खोलना, शीतला प्रसाद ने भी उसे टोका। राधा भागने को थी मगर फिर पिता की बात सुनकर उसने चाल धीमी कर दी। राम अवतार का आना उसे हमेशा अच्छा लगता था। वह जब भी आते मिठाई जरूर लाते थे और दूसरे दिन जाते समय उसे एक रुपया भी देते थे। कुंडी एक बार और खटखटाई जा चुकी थी तभी राधा लौट आई। ठीक से दिखाई नहीं दिया मगर शायद जीजा जी हैं, काली अचकन पहने हैं, साथ में दो आदमी और हैं। राम अवतार तो हमेशा काली का शेरवानी पहनते थे, वही होंगे, शीतला प्रसाद की पत्नी ने कहा। मगर साथ में किसको ले आए, मैं देखता हूँ जाकर, शीतला प्रसाद ने कहा। तुम देखो जो कुछ घर में ना हो राधा को बेचकर बगल के घर से किसी के यहाँ से मंगवा लो। पति की परोसी हुई थाली ढाप कर शीतला प्रसाद की पत्नी रसोई से बाहर आ गई। जा जा सरोजनी की अम्मा से ना दो कटोरी चावल, एक कटोरी शक्कर और थोड़ी चाय की पत्ती मांग ला, उन्होंने बेटी को थैला पकड़ाते हुए कहा। कहना पाहुन आए हैं और सुन जो चीज उनके यहाँ ना मिले वह सत के यहाँ से मांग लाना। राधा थैला लेकर सदर दरवाजे की ओर भागी तो माँ ने उसका झोटा पकड़कर खींचा। अरे पीछे के दरवाजे से जा मरी, और उधर से ही आना, और सुन छिपा के लाना सब, समझी कि नहीं। और समय होता तो राधा झोटे खींचे जाने पर प्रतिवाद करती, परंतु इस समय वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से चले गई। इस बीच शीतला प्रसाद ने जाकर दरवाजा खोल दिया। तीन चार लोग वहां खड़े थे, उनमें से एक काली शेरवानी पहने था, बाकी खद्दर का कुर्ता सदरी आदि पहने थे। शीतल प्रसाद के दरवाजा खुलते ही वे लोग उनकी ओर बढ़ाए। हम लोग तो समझे आप सो गए हैं, उनमें से एक ने कहा। शीतला प्रसाद कुछ जवाब दे इससे पहले ही दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा। अरे भाई इस देश में आदमी सोए ना तो क्या करे, दिन भर तो खटना पड़ता है उसे, दफ्तर हो या फैक्ट्री, नागरिक सुविधाओं के नाम पर क्या है उसके पास। अब यह गली ही देखिए सारा खंडिया टूटा पड़ा है, बरसात में तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। बताइए बिजली तक नहीं है गली में, सरकारी लालटेन भी वहां लगी है नुक्कड़ पर, वह भी देखिए कैसे मरी मरी जल रही है, कहिए रोज जलती भी ना हो। और नल, उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, नल है इस गली में, उसने शीतला प्रसाद से पूछा। जी था, पिछले चार महीनों से बंद पड़ा है, शीतला प्रसाद ने उत्तर दिया। हालांकि बातों का संदर्भ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। लीजिए नल भी तीन चार महीनों से बंद है, लालटेन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन वाटर टैक्स हाउस टैक्स तो सब भरना ही आदमी को है। अब बताइए मकान हम बनाए, जमीन हम खरीदे, सामान हम लगाए और टैक्स ले सरकार, काहे का टैक्स भाई, कोई जुर्म किया है हमने कि टैक्स भरे, इनका बस चले तो हवा पर भी टैक्स लगा दें, दूसरे आदमी ने कहा। गिन गिन के सांस लो और सांस का कितना टैक्स भरो, सड़कों का टैक्स तो लेते ही हैं मगर हालत देखिए जरा सड़कों की, अजी क्या सड़कें और क्या पार्क, आज तक किसी पार्क में माली देखा है आपने, गाय भैंस बंधती है पार्कों में, आदमी मॉर्निंग वॉक तक के लिए नहीं जा सकता, जहां देखो वहीं गंदगी, मच्छर मक्खी पल रही हैं,
बीमारियां फैल रही हैं, हजारों आदमी हर साल कालरा और मलेरिया से मर जाते हैं। अस्पतालों का तो जो हाल है किसी से छिपा नहीं है। पानी में रंग मिलाकर मिक्सचर बनाते हैं, डॉक्टर तो कभी ड्यूटी पर मिलेगा ही नहीं। यही हाल स्कूलों का है। कहने को तो जगह जगह म्यूनिसिपालिटी के स्कूल खुले हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई होती है कहीं? बच्चों को आवारा बनाना हो तो भेजिए म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में। शीतला प्रसाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर उन्हें कहने का कुछ अवसर भी नहीं दे रहे थे वो लोग। एक व्यक्ति की समाप्त होती तो दूसरा शुरू हो जाता। तब तक उनकी पत्नी वहां आ गई और दरवाजे की आड़ में खड़े उन लोगों की बातें सुन रही थी। आखिर जब उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया और बेसिर पैर की बातें सुनती सुनती वह पूरी तरह उब गई, तो उन्होंने पति से कहा, चलो जी खाना खा लो चल के पहले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ 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 जाइए आप भोजन कीजिए, उनमें से एक व्यक्ति ने जिसने शीतला प्रसाद की पत्नी की बात सुन ली थी उनसे कहा, मगर मुसद्दी लाल जी को ना भूलिएगा। कौन मुसद्दी लाल? शीतला प्रसाद ने पूछा। अरे भाई मुसद्दी लाल को नहीं जानते? यह है मुसद्दी लाल जी। उसने काली शेरवानी वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया तो उसने लपक कर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार है ना आप, औरों को तो आप अजमा चुके हैं, इस बार इन्हें अजमा कर देखिए। लाओ भाई पर्चा दो आपको, नंबर क्या है? मकान नंबर बताइए अपना, 11/257। शीतला प्रसाद ने कहा। यह रहा, ढेर सारे पर्चों में से एक पर्चा निकालकर उस व्यक्ति ने शीतला प्रसाद को पकड़ा दिया। यह लीजिए। क्या है ये? वोटर लिस्ट का पर्चा है। आपका नाम शिवशंकर मिश्र है ना? जी नहीं, मेरा नाम तो शीतला प्रसाद वर्मा है। शीतला वर्मा, मकान नंबर क्या बताया आपने? 11/257। नंबर तो सही है, आप शिवशंकर मिश्र नहीं है? जी नहीं, शिवशंकर मुझसे पहले किराएदार थे इस मकान में। और आप? मैं तो अभी 3 साल हुए इस मकान में आया हूँ। इससे पहले कहाँ रहते थे? बंगला बाजार में। तभी आपका नाम कहाँ होगा? बंगला बाजार में होगा आपका नाम, उस व्यक्ति ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा। म्यूनिसिपालिटी के क्षेत्र से बाहर पड़ता है ना? चलिए कोई बात नहीं, वोट ना सही सपोर्ट तो रहेगा आपका। उस व्यक्ति ने एक बार फिर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथों में लेकर हिलाया और सारे लोग चबूतरे से उतरकर गली में आगे बढ़ गए। राधा तब तक चावल और शक्कर ले आई थी, चाय के पत्ती से नहीं मिली थी। अंदर किसी को ना पाकर वह भी थैला एक कोने में रख दबे कदमों से सदर दरवाजे की ओर बढ़ गई। माँ का हाथ हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, चावल और शक्कर ले आए हैं, चाय नहीं मिली। चल अंदर चाय की दुम, माँ ने सिर पर जोर से धौल जमा दी। वह संभल पाती इससे पहले ही पिता ने भी उसके सिर पर चपत जड़ दी। जो आदमी काली शेरवानी पहने आएगा वही तेरा जीजा हो जाएगा, गधी कहेंगी, उन्होंने कहा। राधा को कुछ समझ नहीं आया, उसे पूरा विश्वास था कि उसने गली में राम अवतार को ही देखा था। मार जो उसने खाई वह तो खाई, पर इस बात का अफसोस कम नहीं था कि मिठाई खाने को ना मिली। तो यह कहानी थी मेहमान, जिसके लेखक हैं कामता नाथ।